इस हिंदी की कक्षा में हिंदी व्याकरण से एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है लिंग। बच्चों यह पाठ पाठ संख्या 5 में दिया गया है। इस पाठ को पृष्ठ संख्या 20 से लेकर 22 के बीच दिया गया है। तो आइए अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। बच्चों इस पाठ के पहले हमने संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा पाठ 4 में दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 लिंग। लिंग को अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। आइए हम लिंग को सबसे पहले उदाहरणों के साथ समझते हैं, उसके बाद हम इसकी परिभाषा जानेंगे। परिभाषा यानी डेफिनेशन। तो बच्चों देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक चित्र दिया गया है जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति लाठी लेकर चल रहा है और उसके नीचे दादाजी टहल रहे हैं। दूसरे चित्र में एक छोटा सा मंदिर है जिसके सामने एक वृद्ध औरत हाथ जोड़कर खड़ी है और नीचे लिखा गया है दादी जी पूजा कर रही है। अगले चित्र में दो लड़के दिखाई दे रहे हैं। एक लड़के के हाथ में एक पुस्तक है और वो दूसरे को दे रहा है। नीचे लिखा है भाई उपहार दे रहा है। तो बच्चों यहाँ एक भाई दूसरे भाई को उपहार के रूप में पुस्तक दे रहा है। अब देखिए बहन राखी बांध रही है। इस चित्र में बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। पांचवे चित्र में एक बच्चा गेंद से खेल रहा है और यहाँ पर लिखा है लड़का गेंद से खेल रहा है। छठे चित्र में लड़की नाच रही है, एक लड़की नृत्य कर रही है। अब हमें समझना क्या है, इन चित्रों और इन वाक्यों के द्वारा हमें क्या समझना है, आइए देखते हैं। ऊपर के वाक्यों में लाल शब्द, दादाजी भाई और लड़का पुरुष जाति के लिए आए हैं तथा नीले शब्द दादी जी बहन और लड़की यानी स्त्री जाति के लिए आए हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर रेड से कितने शब्द हैं, तो रेड से है दादाजी भाई लड़का और नीले रंग से क्या क्या है, दादी जी बहन लड़की। तो यहाँ पर इन दो रंगों में दो जातियों यानी पुरुष जाति और स्त्री जाति को लिखा गया है। स्त्री जाति को नीले रंग से लिखा गया है और जो पुरुष जाति हैं उनको लाल रंग से लिखा गया है। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। बच्चों यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आप समझेंगे कैसे कि आपको किस शब्द को स्त्रीलिंग कहना है और किसे पुल्लिंग कहना है। बच्चों लिंग के दो भेद होते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे, फिर मैं बताती हूँ आपको। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का अर्थ है जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बकरा लड़का मुर्गा। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बकरी लड़की मुर्गी आदि। बच्चों यहाँ पर एक तालिका देकर उसमें कई सारे शब्द हैं, उन शब्दों के द्वारा आपको स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में भेद बताया गया है। यह पाठ बहुत ही छोटा है परंतु हम समझेंगे कि इस पाठ में लिंग, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग
पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, ये हमें इनमें भेद कैसे करना है। बच्चों सबसे पहले आप लिंग को समझने के लिए अपने घर पर एक नज़र डालें। आपके घर में कितने फैमिली मेंबर हैं, यानी परिवार के सदस्य कितने हैं। आपके घर में माता पिता हैं, दादा दादी हैं, भाई बहन हैं, नाना नानी हैं, मामा मामी हैं, चाचा चाची हैं, और भी कई रिश्ते हैं। चाचा के लड़के यानी चचेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन। तो बच्चों इन सभी में केवल ये सारे, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, ये केवल दो लिंग के हैं, यानी एक तो स्त्रीलिंग है और दूसरा वर्ग पुल्लिंग है। अब आपको यह समझना है कि कौन सा वर्ग स्त्रीलिंग है और कौन सा वर्ग पुल्लिंग है। तो बच्चों सबसे पहले आप अपनी माता को याद कीजिए। आपकी माता स्त्रीलिंग है और आपके पिता पुल्लिंग है, यानी पुरुष जो हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहेंगे और जो स्त्री हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहेंगे। यानी अगर यदि आपके घर में आपकी छोटी बहन है तो वो स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार जितनी भी छोटी लड़कियां हैं, बड़ी महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, आपके माता की उम्र की महिलाएं हैं, जितनी भी औरतें हैं, सभी जितनी भी स्त्रियां हैं, बच्चियां हैं, जितनी भी पहले तो आप परिवार के सदस्यों से ही समझिए कि आपके परिवार में जितने भी स्त्री हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, वो सारी स्त्रीलिंग हैं, और जितने भी पुरुष हैं वो सारे, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, वो सारे पुल्लिंग हैं। पुरुष पुल्लिंग, स्त्री स्त्रीलिंग। परंतु बच्चों क्या आप जानते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग केवल मनुष्यों में ही नहीं होता, जानवरों में भी, पशुओं में भी होता है। उसमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं? तो उनका हमें नाम जानना आवश्यक होता है। आगे हम तालिका के द्वारा उनका नाम भी समझेंगे। जैसे कि आप गाय को ले लीजिए, गाय को क्या कहा जाता है? गाय को माता कहा जाता है, और माता क्या होती है? स्त्रीलिंग। तो जो जन्म देती है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो जन्म नहीं देते उनको हम पुल्लिंग कहेंगे। स्त्रीलिंग की यह विशेषता होती है कि वो जननी होती है, यानी जन्म देने वाली होती है, और जो भी जन्म देने वाली है, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो, वो सभी स्त्रीलिंग में ही आएंगे। तो आइए अब हम इस तालिका के द्वारा पुल्लिंग व स्त्रीलिंग को समझते हैं। पहली तालिका नीले रंग से दी गई है, जिसमें पुल्लिंग शब्द लिखे गए हैं। दूसरी गुलाबी पिंक कलर से दी गई है, जिसमें स्त्रीलिंग शब्द लिखे हुए हैं। इसी प्रकार 1, 2, 3 नीले रंग की 3 लाइनें हैं और गुलाबी रंग की भी 3 लाइनें हैं। इन सब में हम सबसे पहला शब्द देखते हैं दादा, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे तीन जोड़ी लाइनें दी गई हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, क्योंकि बच्चों यहाँ पर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाकर आपको बताया गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनाकर बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि दादा का पुल्लिंग क्या होता है। तो दादा का पुल्लिंग होता है दादी। अब गाय का, माफ कीजिएगा बच्चों, दादा स्वयं एक पुल्लिंग है, तो दादा का स्त्रीलिंग होता है दादी, और दादी का पुल्लिंग होता है दादा। इसी प्रकार गाय का पुल्लिंग होता है बैल, और बैल का स्त्रीलिंग होता है गाय। तो धोबी एक पुल्लिंग शब्द है, और धोबी का पुल्लिंग स्त्रीलिंग है धोबिन। इसी प्रकार नाना का नानी, चाचा का चाची, सेवक का सेविका, शिक्षक शिक्षिका, युवक युवती, पिता माता, बूढ़ा बुढ़िया।
बालक बालिका, मामा मामी, लेखक लेखिका, गायक गायिका, बकरा बकरी, राजा रानी, माली मालिन, देवता देवी, भाई बहन, मुर्गा मुर्गी, चूहा चूहिया, अध्यापक अध्यापिका, नाग नागिन। बच्चों अब आइए हम सभी स्त्रीलिंग शब्दों को पहले और पुल्लिंग शब्दों को बाद में पढ़ते हैं, जिससे हमें यह पता चलेगा कि अब हमें स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाना है। नागिन का नाग, अध्यापिका अध्यापक, चूहिया चूहा, मुर्गी मुर्गा, बहन भाई, देवी देवता, मालिन माली, रानी राजा, बकरी बकरा, गायिका गायक, लेखिका लेखक, मामी मामा, बालिका बालक, पुत्री पुत्र, बुढ़िया बूढ़ा, माता पिता, युवती युवक, शिक्षिका शिक्षक, सेविका सेवक, चाची चाचा, नानी नाना, धोबिन धोबी, गाय बैल, दादी दादा। बच्चों इस प्रकार आपने लिंग पाठ को भली भांति समझ लिया है। अब हम इस पाठ का अगली कक्षा में अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।